Today, my topic Mother Goddess, Bull Seal, and Painted Earthen, Wave, Jar. Painting Description. Fine Arts Class 11th. Mother Goddess. Name, Mother Goddess, Medium. Dot terracotta baked clay. Period, circa 2500 BC. Location, Mohenjodaru, Collection, National Museum. न्यू डेली सब्जेक्ट मैटर ए टेर आइडल ऑफ द फर्टिलिटी गॉडे विषय वस्तु की एक मूर्ति बेस्ट प्रिजर्व लार्ज साइज टेराकोटा इमेजेस रिप्रेजेंटिंग द मदर गॉडेज विवरण यह देवी माँ का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे अच्छी संरक्षित बड़े आकार की टेराकोटा छवियों में से एक है

The general folk effect in the figure is most interesting. आकृति में सामान्य लोक प्रभाव सबसे दिलचस्प है. She is wearing just a loin with a girdle, small breasts uncovered, eyes are small balls, pellet, clay. उसने सिर्फ एक कमर पहनी हुई है. आंखें छोटी गेंदे, गोली, मिट्टी है. The sculptor at Mohenjo-daro was skilled in his art and could both realistically and stylistically मोहन जोद्रो का मूर्तिकार अपनी कला में कुशल था और वास्तविक और शैलीगत दोनों तरह से कर सकता था दिस कल्चर ऑफ मदर गॉडेस एंड वेरियस अदर मदर गॉडेज वो वर्षिप्ड एज़ ए बिस्टोर्स गिवर्स ऑफ फर्टिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी देवी माँ और विभिन्न अन्य देवी माँ की इस मूर्ति को उर्वरता और समृद्धि के दाता बटा दाता के रूप में पूजा जाता था India is traditionally a country where more than 80% of its inhabitants are agriculturists who naturally worship gods and goddesses of fertility and prosperity. भारत परंपरागत रूप से एक ऐसा देश है जहां के 80 प्रतिशत से अधिक निवासी कृषक हैं जो स्वाभाविक रूप से उर्वरता और समृद्धि के देवी देवताओं की पूजा करते हैं शी इज पर प्रोटोटाइप एस्टरिस्क ऑफ अ क्रूड आइडल ऑफ वन सच गॉडिस वह शायद ऐसी ही एक देवी की कच्ची मूर्ति का प्रोटोटाइप एस्ट्रिस्क है बुलसील बुलसील मीडियम व्हाइट स्टोन स्टीटाइट पीरियड सर् 2500 बीसी। लोकेशन मोहनजोदारो। कलेक्शन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट मैटर अ लो रिलीफ स्क्वायर सील ऑफ अ हम्प्ड बुल विथ एंग्रेविंग्स ऑन टॉप इन अ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट विषय वस्तु एक चित्रात्मक लिपि में शीर्ष पर उत्कीर्णन के साथ एक कुबड़ वाले बैल की एक कम राहत वाली चौकोर मुहर डिस्क्रिप्शन दिस बुल सील इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल स्टडी शोइंग ग्रेट स्ट्रेंथ एंड विगर ऑफ दिस बोवाइन एनिमल विवरण यह जेबू हम्प सील इस गोजातीय जानवर की महान शक्ति और शक्ति को दर्शाने वाले पशु अध्ययन का एक अच्छा उदाहरण है सच डिटेलिंग इज अ ग्रेट आर्टिस्टिक अचीवमेंट एट सच एन अर्ली डेट इतनी जल्दी तारीख में इस तरह का विवरण एक महान कलात्मक उपलब्धि है इट इज अ स्क्वेयर सील एंग्रेव्ड इन अ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट यह एक चित्रात्मक लिपि में उत्कीर्ण एक चौकोर मुहर है ऑल दी आइकोनोग्राफी एस्टरिस के नॉट बी प्रॉपरली आइडेंटिफाइड it is likely that this popular cattle motif is related to the significance of the bull as a fertility and lunar symbol in ancient Mesopotamia. यद्यपि प्रतिमा चित्र एस्टरिस को ठीक से पहचाना नहीं जा सकता है यह संभावना है कि यह लोकप्रिय पशुआकृति प्राचीन मेसोपोटामिया में प्रजन क्षमता और चंद्र प्रतीक के रूप में बैल के महत्व से संबंधित है इट कुड बी दीडर हुए जो उनकी सुरक्षा के लिए खड़ा होता है और प्रजन और प्रजन सुनिश्चित करता है या यह सिर्फ एक जानवर हो सकता है जो एक शक्तिशाली जनजाति द्वारा भगवान को बलिदान बलि चढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है The embossed body of the bull is strong with wide curved large horns and a dominant hump. The folds of skin hanging from the neck are incised realistically. बैल का उभरा हुआ शरीर चौड़े घुमावदार बड़े सींगों और एक प्रमुख कुबड़ के साथ मजबूत होता है गर्दन से लटकी हुई त्वचा की सिलवटों को वास्तविक रूप से उकेरा गया है द सील मेड इन अ लो relief हैज ऑल द बॉडली डिटेल्स फ्रॉम शार्प horns टू हार्ड एंड carved thoroughly. कम राहत में बनी मुहर में नुकीले सींगों से लेकर कठोर खुरों तक पूरी तरह से नक्काशीदार सभी शारीरिक विवरण हैं दिस बुलप्स अ प्रोटोटाइप ऑफ द शिवास बुलनंदी यह बैल शायद शिव के बैलनंदी का एक प्रोटोटाइप है सील्स आर अनादर सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ द इंडस आर्ट एंड क्राफ्ट मोहरे सिंधु कला और शिल्प का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है They were produced for mainly commercial purpose. वे मुख्य रूप से व्यावसायिक उद्देश्य के लिए उत्पादित किए गए थे These are engraved in a pictographic script often used as amulets, तवीज carried as modern-day identity cards. इन्हें एक चित्रलेखी लिपि में उकेरा गया है जिसे अक्सर तावीज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जिसे आधुनिक पहचान पत्र के रूप में ले जाया जाता है Numerous square सील्स आर फाउंड engraved विद इमेजेस ऑफ एनिमल्स bulls, rhinoceroses, elephants, etc. fantastic beasts, unicorns एंड ह्यूमन और divine फिगर्स जानवरों के बैल गैंडे हाथी आदि शानदार जानवरों और मानव या दैवीय आकृतियों के चित्रों के साथ कई वर्ग मोहरे उत्कीर्ण पाई जाती है The seals were mostly made of steatite soft stone found in rivers with a loop for suspension on the opposite side covered with a mineral called natron and fired to obtain white surface. सर्फिस गोहरे ज्यादातर स्टीटाइट नरम पत्थर से बनी होती हैं जो नदियों में पाए जाने वाले लूप के साथ विपरीत दिशा में निलंबन के लिए होती है जो नेट्रॉन नामक खनिज से ढकी होती है और सफ़ेद सतह प्राप्त करने के लिए निकाल दी जाती है

चित्रित मिट्टी के बर्तनों की तुलना में सादा मिट्टी के बर्तन अधिक पाए जाते हैं रेयर पीसेस ऑफ pottery पेंटेड इन सेवरल कलर्स हैव also बीन फाउंड कई रंगों में रंगे हुए मिट्टी के बर्तनों के दुर्लभ टुकड़े भी मिले हैं दिस बिग जार वॉज यूज एज अ स्टोरेज जार फॉर ग्रेन्स इन हरप्पन एंड daro पीरियड हरपा और मोहनजोबरो काल में इस बड़े जार का उपयोग अनाज के भंडारण जार के रूप में किया जाता था दिस मेड ऑन पॉटर्स व्हील विद स्किल्ड हैंड्स यह जार कुशल हाथों से कुम्हार के पहिए पर बनाया जाता है आफ्टर बेकिंग इट हैज बीन पेंटेड एंड डेकोरेटेड विथ लाइन्स एंजल्स सर्कल्स एंड आर्क्स जियोमेट्रिकल पैटर्न्स बेक करने के बाद इसे रेखाओं कोणों वृत्तों और चापों ज्यामितीय पैटर्न से रंगा और सजाया गया है मोस्टली द डिजाइंस हैव बीन ड्रॉन विद ब्लैक कलर ऑन टेराकोटा यूटेंसिल्स एंड देन स्मूथन्ड बाय रबिंग ज्यादातर डिजाइन टेराकोटा के बर्तनों पर काले रंग से तैयार किए गए हैं और फिर रगड़कर चिकना कर दिया गया है आफ्टर दैट ट्रांसपेरेंट कोटिंग इज गिवन टू द जार्स एंड पॉट्स उसके बाद जार और बर्तनों पर पारदर्शी लेप लगाया जाता है ऑन दिस जार इन particular वी फाइंड द circular डिजाइन इन द सेंटर विथ horizontal lines encircling the द होल राउंडनेस ऑफ द वेसल एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ द डिजाइन इस जार पर विशेष रूप से हम डिजाइन के ऊपर और नीचे बर्तन की पूरी गोलाई को घेरने वाली क्षैतिज रेखाओं के साथ केंद्र में एक गोलाकार डिजाइन पाते हैं ऑल पीसेज ऑफ पॉट्री हैव वेरी सिंपल मोटिव एंड फॉर्म्स विच इंडिकेट दैट द आर्ट हैड ऑल्सो रीच्ड सर्टन लेवल ऑफ एबस्ट्रैक्शन मिट्टी के बर्तनों के सभी टुकड़ों में बहुत ही सरल रूपांकनों और रूप होते हैं जो इंगित करते हैं कि उनकी कला भी अमूर्तता के एक निश्चित स्तर तक पहुंच गई थी द शाइनी कोटिंग ऑफ हरप्पन पॉटरी इज द अर्लिएस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट्स काइंड इन देंट वर्ल्ड हरप्पा के मिट्टी के बर्तनों की चमकदार परत प्राचीन दुनिया में अपनी तरह का सबसे पहला उदाहरण है इट इस स्ट्रेंज दैट द मटीरियल दे यूज एट दैट टाइम वॉज ऑफ सच ग्रेट क्वालिटी दैट इवन आफ्टर थाउजेंड ऑफ इज द शाइन ऑन दैम स्टिल इन टैक्ट हैरानी की बात यह है कि उस समय वे जिस सामग्री का उपयोग करते थे वह इतनी महान गुणवत्ता की थी कि हजारों वर्षों के बाद भी उन पर चमक बरकरार है थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो